अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ गुरु। स्टूडेंट, सम मोर क्वेश्चंस ऑफ पेपर वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं और इनका जो ऑर्डर है वो 2x2 है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रॉस कहलाती हैं। तो ये फर्स्ट रॉ हो गई और ये सेकेंड रॉ हो गई। तो इस मेट्रिक्स में दो रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होता है ये रॉस कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं। तो ये 2x2 है, मतलब इसमें दो रॉज हैं और दो कॉलम है। ये हमारे पास मैट्रिक्स का नाम पी है, इसके एलिमेंट्स हैं 4, -2, -1 एंड 3। द अदर मैट्रिक्स इज क्यू, द एलिमेंट्स आर 0, -1, 5 एंड 4। द लास्ट मैट्रिक्स इज आर एंड द एलिमेंट्स आर 4, 1, t2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड p -3q। सो वी जस्ट हैव टू राइट द मैट्रिसेस एंड वी जस्ट हैव टू राइट 3 बिफोर मैट्रिक्स क्यू। पी एज इट इज आ जाएगा, पी है 4, -2, -1, 3। तो 4, -2, -1, 3 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। देन आई हैव टू राइट 3 और फिर क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू है 0, -1, 5 एंड 4। नाउ सिंस 3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। चार एलिमेंट्स हैं तो चारों से 3 मल्टीप्लाई होगा, 4, -2, -1, 3 एज इट इज आ गया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव मी 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव मी -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। अब मुझे सिर्फ दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है ये, और माइनस आपको पता है एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट माइनस फोर्थ एलिमेंट। हमेशा इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट होता है और ये हमारा फोर्थ एलिमेंट होता है। तो 4 -0 4 हो जाएगा, -2 -3, -2 -3 मतलब -2 और एक माइनस ये वाला हो गया और फिर -3। तो इसका मतलब है ये 2 माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 + 3 और माइनस प्लस होगा, माइनस साइन बिलोंग्स टू ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव 1 आ गया। उसके बाद मेरे पास है -1 -15, तो दिस विल बी -16 एंड देन इन द लास्ट 3 -12, 3 - 12 विल गिव मी -9। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, 4, 1, -16 एंड -9, 2 मार्क्स का ये जो था आपका क्वेश्चन था। इतनी वर्किंग करेंगे यू विल गेट द 2 मार्क्स। डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, आप स्टेप्स जो है उसको स्किप करते हो, आप डायरेक्ट जो है, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस साइन तंग करता है, तो थोड़ा सा जो है ना वो केयरफुली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसमें भी आप मार्क्स जो है वो नहीं लोगे फुल तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें डिटर्मिनेंट दे रहा है आर का 11। ये आर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 1, t और 2। इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है 11 है और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने याद किया हुआ है, ए डी माइनस बी सी। ए डी और बी सी क्या चीज़ है, ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट और डी इज़ द लास्ट एलिमेंट, बी इज़ द सेकेंड एलिमेंट और सी इज़ द थर्ड एलिमेंट। तो डी जो है वो फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा बेसिकली। तो फर्स्ट एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ एलिमेंट से, माइनस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ आर किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आर लिखने के लिए हम क्या करते थे, आर लिखते थे और हम जो है वो इस तरह उसको दो ब्रैकेट्स में ऐसे ऐसे जो है दो लाइंस में जो है हम उसको बंद कर देते थे, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो जाता था। तो आर का डिटर्मिनेंट है, ए मेरे पास क्या है, ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, तो ए फर्स्ट एलिमेंट है, 4 हो गया, तो यहाँ 4 आ गया। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो फोर्थ एलिमेंट है, तो 4 * 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया और फिर सेकंड और थर्ड, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है और जो थर्ड एलिमेंट है वो टी है, तो 1 * t हो गया। 4 * 2 = 8 और माइनस का साइन एज इट इज, t * 1 = t। और चूंकि मुझे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ आर गिवन है 11, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर की जगह 11 लिख लिया। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, मुझे टी चाहिए, तो ये टी जो है मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, तो मैंने -t को शिफ्ट किया इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव टी हो गया। तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन इस तरह बन गई, 11 + t = 8। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, 11 को शिफ्ट कर दिया तो टी की वैल्यू आ गई 8 - 11 दैट इज -3। तो ये मेरे पास जो है वो एक मार्क का
टी की वैल्यू आ गई जो कि -3 हो गई। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है। लास्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। इनवर्स ऑफ आर मुझे निकालना है। इनवर्स ऑफ आर के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा मेरे पास जो है वो आर मैं ऊपर से देख के लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टी की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ जो है वो आर मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। मेरे पास आर मैट्रिक्स क्या है, मेरे पास आर मैट्रिक्स है 4 1 T 2। तो 4 1 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और ये हम यहाँ टी की वैल्यू डाल दी मैंने -3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसका मुझे इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे हमें आर इन्वर्स निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, आर इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ आर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ आर से। ठीक है, एडजॉइंट को हम लिखते हैं ADJ, तो एडजॉइंट ऑफ आर। अब इसका मतलब है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनवर्स हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, उसमें सेकेंड पार्ट में, और हमें सिर्फ एडजॉइंट निकालना है आर का। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमें पता है 11। अगर नहीं पता हो तो हम निकाल लेते हैं AD-BC के फॉर्मूले से, डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज 11, तो 11 हमें गिवन है। और उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो 2 जो है वो फर्स्ट जो है एलिमेंट की जगह पे चला जाएगा, 4 जो है वो फोर्थ एलिमेंट की जगह पे आ जाएगा। तो 2 पहले आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट होता है ना, इनके साइन ऑपोजिट कर देते हैं। तो इस वक्त 1 पॉजिटिव है तो अब ये -1 हो जाएगा, और 3 नेगेटिव है तो अब ये +3 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 4 जो है वो नीचे चला गया। इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाती है, इन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो ये 1 था, -1 बन गया, ये -3 था, +3 बन गया। तो ये जो है एडजॉइंट आ गया। बस अब से वैल्यूज पुट करनी है जल्दी से। तो आर इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ आर, डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज 11, मल्टीप्लाई बाय द एडजॉइंट ऑफ आर, एडजॉइंट ऑफ आर इज 2 -1 3 और 4। इनको साथ लिख दो, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इनवर्स। इसको जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक मार्क का है, इसकी सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/11 को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इसमें बस हमने डिटर्मिनेंट देखा। AD-BC डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, और इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ आर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ आर। डिटर्मिनेंट ऑफ आर AD-BC, एडजॉइंट ऑफ आर में क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है, स्वैप हो जाते हैं, और सेकंड और थर्ड के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स जो प्रोपोर्शन है जिसको हम वेरिएशन कहते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें उसने हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है। एक्स की वैल्यू 4 है, उस पर वाई की वैल्यू 3 है, फिर एक्स की वैल्यू 9 है, उस पर वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू फिर डी है, और उस पर वाई की वैल्यू है 0.6। क्वेश्चन कह रहा है वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। Y is inversely proportional to the square root of x. So now this is the statement in English. I have to convert it into the mathematical statement. So I will start with the first. Y is first. So I will write y inversely proportional. This is the sign of proportional. Inversely के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/ में लिखता हूँ, और square root of x है तो 1/ square root of x. अब ये जो proportional का sign है ये जब हटेगा equals to आएगा तो फिर k insert हो जाएगा, तो y is equals to k upon square root of x. Now I have to find the value of k. k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे y और x की वैल्यू चाहिए होती है। तो अब मैं अब आ गया टेबल के पास। अब मैंने देखा कि क्या टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जहां x की भी वैल्यू मुझे पता है और y की भी। तो फर्स्ट कॉलम है 4 और 3, इसका मतलब है आई विल पुट x इज इक्वल टू 4 एंड आई विल पुट y इज इक्वल टू 3। मैं यहां 4 और 3 पुट कर देता हूं जल्दी से। y की जगह पे मैंने क्या किया, y की जगह पे मैंने 3 रख दिया। ठीक है, 3 इज इक्वल टू k आ गया, और x की जगह पे मैंने 4 रख दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो ये 2 आ गया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो मैंने इक्वेशन बना ली जिसकी मदद से मैं बाकी c और d की वैल्यू निकालूंगा, वो आ गई y इज इक्वल टू 6/√x। ठीक है, k की से वैल्यू पुट करनी होती है और आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाती है। नाउ आई विल यूज दिस इक्वेशन। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c और d, तो मैं इसको दो बार यूज करूंगा। मैं पहले जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने जो सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ,
सेकेंड कॉलम में द वैल्यू ऑफ x इज 9, सो x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू c. आई विल यूज द सेम इक्वेशन जो मैंने अभी ड्राइव की है, y इज इक्वल्स टू, y की जगह पे आई विल पुट c बिकॉज y इज इक्वल्स टू c, सो c इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ k इज 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो 6 अपॉन 3, द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग आउट एज 2. तो मैंने c की जगह पे जो है वो 2 लिख दिया, c की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास. अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एज वेल, तो अब मैं यही वाला काम दोबारा करूंगा. डेटा लिख लिया जल्दी से मैंने, द इक्वेशन इज y इक्वल टू 6 अपॉन रूट x, दिस इज द इक्वेशन. ये मैं बार बार लिखता हूँ ताकि गलती का चांस ना हो. अब मैं डेटा लिखता हूँ, आई हैव x इज इक्वल टू d, y इज इक्वल टू 0.6, तो y की जगह पे 0.6 लिखा इक्वल्स टू, ये k की वैल्यू थी 6, ये मैंने जो है वो 6 लिखी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x चाहिए. अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ x शिफ्ट किया, 0.6 यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने 0.6 को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर भेज के डिवाइड कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.6. अब चूंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मुझे जो है ये बाय हैंड पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी. तो अब मैं इसको डिवाइड तो नहीं कर सकता, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी, तो ये बन गया 60/6. 60/6 इज इक्वल्स टू 10. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x, मुझे x की वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट की, नहीं तो आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का इनवर्स स्क्वायर होता है, तो आई हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 स्क्वायर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 100. सो द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग आउट एज 2. जो c की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 2 आ रही है, और जो d की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 100 आ रही है. तो ये क्वेश्चन था वेरिएशन का, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था. इसमें उसने हमें ये टेबल दिया हुआ था, इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम था उसमें x और y की वैल्यू हमें पता थी, बाकी 2 कॉलम्स में उसने पहले वाले में y की वैल्यू हटा दी, वो हमें फाइंड करनी थी, अगले में उसने x की हटा दी, वो फाइंड करनी थी, और उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई थी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x. ये स्टेटमेंट को यूज किया, इसको मैथमेटिकल जो है कन्वर्ट किया, और उसके बाद k की वैल्यू निकाली, और फिर जो है वो इसी इक्वेशन को यूज करके मैंने c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो ये वेरिएशन का क्वेश्चन था जो कि आपको पेपर 1 में काफ़ी मिलेगा. तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो हैं तुम लोग को समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट तुम लोग के रिवाइज हो गए होंगे, और ज़रूर मुझे फीडबैक देते रहना, मुझे टॉपिक्स बताते रहना, मुझे क्वेश्चंस बताते रहना, ताकि मैं तुम लोग के लिए हेल्प के लिए वीडियोस बनाता रहूं. ठीक है, दुआओं में याद रखना, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर अजर देंगे. बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर.